गाइस, मैं हो चुका हूँ बहुत ज्यादा ही अमीर। और अब ये मत पूछने लग गया ना कि मैं इतना अमीर कहाँ से वहाँ, बस मैं हो चुका हूँ अमीर। तो और इतना अमीर होने के बावजूद भी मेरे पास अभी तक एक भी घर नहीं है। मतलब कितनी शर्म की बात है भाई, इतना अमीर हो चुका हूँ मैं फिर भी मेरे पास घर नहीं है। और मुझे पता है कि मैं किसी भी एंगल से अमीर नहीं दिखता हूँ, पर मैं अमीर हूँ। मेरे पास एमरेल्ड डायमंड है, सबके हजारों खदान है। अरे खदान नहीं गाइस, मेरे पास हर दिन उसमें से लाखों माइनिंग होती है, मेरे पास लाखों आते हैं। मुझे देख के लगता नहीं है क्योंकि भाई चोर बने भी घूम रहे, इसे मैं बताता नहीं हूँ। तो इन सब को साइड में रखते हैं। तो आज मैं हायर करने वाला हूँ अपने लिए एक विलेजर को, और वो नॉर्मल विलेजर नहीं होगा, वो होगा एक बिल्डर विलेजर जो बनाएगा मेरे लिए मेरे मनपसंद चीज़। तो बिना किसी बकवास के, वैसे मैं बहुत ज़्यादा ही बकवास कर चुका हूँ, चलिए शुरू करते हैं। मैंने बहुत सारे कोशिशों के बाद फाइनली एक बिल्डर विलेजर को बना दिया है। तो अब जल्दी से देखते हैं इसके ट्रेड्स क्या है। तो यहाँ पे ये है बिग हाउस, ब्लूप्रिंट, स्मॉल हाउस, चीफ हाउस, सब हाउस दे रहा है ये, और फार्म और लाइब्रेरी भी दे रहा है ये। तो उन सबको तो मैं बाद में बनाऊंगा, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्मॉल हाउस से। तो यहाँ पे अब देखो मैजिक गेट, तो यहाँ पे इतने सारे मेरे पास एमरल्ड आ चुके हैं। बताओ कितने चाहिए, 100 चाहिए, 200 चाहिए, कितने चाहिए? सब दे दूंगा भाई, मेरे खदान से आए हैं जॉर्ज, फ्रेश एमरल्ड से हैं। और जैसे ही मैं ले रहा था, मुझे तब पता चला कि मुझे एक एम्प्टी ब्लूप्रिंट भी चाहिए, और एम्प्टी ब्लूप्रिंट का मेरे पास खदान नहीं था, पर मेरे पास थे एमरल्ड जिनसे मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ। तो मैंने खरीद लिया बहुत सारे। तो यहाँ पे एम्प्टी ब्लूप्रिंट को डाला मैंने, और अब ये आ चुका है मेरे पास मेरा स्मॉल हाउस ब्लूप्रिंट। तो अब मैं इसको देने का ट्राई कर रहा था, पर ये मान नहीं रहा था मेरी बात। तो मैं इसको पेले जा रहा था, पर बाद में मान गया और ये बनाने स्टार्ट कर चुका है। तो गाइस यहाँ पे देखो कि किस हिसाब से बना रहा है। और मैं बता दूँ कि आप इसे अपना वुड या सामान भी दे सकते हो, पर मुझे वो देने नहीं आ रहा, इसलिए हो नहीं पा रहा है। वरना देते हैं भाई, मैं अपना सामान दे सकता हूँ, जैसे कि मैं दूसरा वुड दे सकता हूँ, ग्लासेस दूसरे कलर के दे सकता हूँ, स्टोन्स अपने मन से दे सकता हूँ, सब चीज़ अपने मन से करवा सकता हूँ। पैसे दे रहा हूँ भाई, मैं कुछ भी करवा सकता हूँ। तो गाइस फाइनली ये घर बन चुका है, और ये एक नॉर्मल विलेजर का ही घर है, क्योंकि भाई ये विलेजर है तो विलेजर जैसे ही घर बनाएगा। तो मुझे कुछ पसंद नहीं आए, तो मैं इस साइड आ चुका हूँ। कोई फ्लैट जगह चाहिए यार, वहाँ पे मैं इसको स्पॉन करूँगा। तो भाई यहाँ पे बना लिया है मैंने एक बिल्डर विलेजर, तो अब मैं क्या बनाऊँ? तो ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले बनवाने वाला हूँ एक हीरो स्ट्रक्चर। तो ठीक है, अब हीरो स्ट्रक्चर ले लेते हैं। और उसके बाद मैंने कुछ और सामान ले लिया है, जैसे कि चीफ हाउस, ब्लूप्रिंट, लाइब्रेरी और फाउंटेन वगैरह वगैरह, जो जो मुझे बनवाने थे, तो उन सब का सब मैंने ले चुका है। तो यहाँ पे अब मैं इसको दे देता हूँ ब्लूप्रिंट बनाने के लिए हीरो स्ट्रक्चर। तो उसके बाद ये सीधा धमान चुका था, तो ये बनाने लग गया। तो यहाँ पे ये हीरो स्ट्रक्चर बनाने में ले रहा था बहुत ज़्यादा वेट, जो मेरा दिमाग ख़राब कर रहा था। मुझे एक बार तो लगा कि खत्म कर दूँ इसको मैं, पर फिर मैंने सोचा कि भाई ये आधा अधूरा स्ट्रक्चर अच्छा नहीं दिखेगा, तो इसे मैंने इसका पूरा बनने का किया वेट। तो गाइस अब फाइनली ये पूरा बन चुका है, और देखो गाइस ये कैसा दिख रहा है हीरो स्ट्रक्चर। मतलब एक पर्सन या फिर जो भी कहो, स्टोन का एक स्टैचू ने तलवार या फिर त्रिशूल जैसे चीज को पकड़ रखा है वहाँ पे, जो लिटरली बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। मुझे तो इसे ठीक ठाक ही लगा, 10 out of 4 रेटिंग मिलेगी इसे। वैसे मैंने पहले बार को रेटिंग नहीं दी, तो इसको क्यों दे रहा हूँ? कोई बात नहीं गाइस, दे देते हैं रेटिंग, क्या जा रहा है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि ऐसे काम नहीं बनेगा मेरा, अगर मैं ऐसे एक दो को दूंगा तो मेरा काम नहीं बनने वाला है, मुझे बल्क में अपने प्रोजेक्ट्स को करवाना पड़ेगा। इतना पैसा है कि मैं सब चीज़ को एक साथ डबल कीमत पे भी करवा सकता हूँ, पर मैं करवाने नहीं वाला, क्यों करवाऊँ भाई। मैं विलेजर को बुलाया और मैंने उसको दे दिया फाउंटेन बनाने का काम, और अब यहाँ पे फाउंटेन बन रहा है मेरा। और फाउंटेन बन तो रहा है, देखो पानी वानी अपने आप सब आ चुके हैं, मेरा फाउंटेन तो देखो अबे धीरे धीरे कुछ टाइम बाद पूरा बन जाएगा, और मैं तब लूँगा इसकी मत। तो तब तक मैंने सोचा कि मैं कुछ और क्यों ना कर लूँ, मतलब मैंने यहाँ पे कुछ और बिल्डर विलेजर्स को बुलाया, और मैंने किसी को दे दिया फार्म बनाने का काम, किसी को दे दिया मैंने लाइब्रेरी बनाने का काम, और किसी को दे दिया मैंने चीफ इंस्पेक्टर का या फिर जो भी चीफ था उसका हाउस बनाने का काम। तो गाइस मेरा फाउंटेन यहाँ पे अब कंप्लीट हो चुका है बन के, और देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ एंड्रॉयड लगे हुए हैं, और ऊपर तक पूरा पानी आ रहा है, जो ठीक ठाक सही लग रहा है। मतलब बहुत
जद यूपी दिख रहा है और उसके सामने ये हीरे स्ट्रक्चर है उसमें भी एंड्रॉइड लगे हैं, तो एंड्रॉइड बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। रात में शायद ये बहुत ज़्यादा यूपी लगेगा। और यहाँ पे फाउंटेन भी ठीक ठाक सही है और जो पानी ऊपर जा रहा है बहुत ज़्यादा यूपी लग रहा है। वैसे ही माइनक्राफ्ट में ग्रेविटी तो एग्जिस्ट करते ही नहीं। एक मेरे बाकी प्रोजेक्ट्स भी कम्प्लीट हो चुके होंगे, प्रोजेक्ट से मैं कुछ ज़्यादा ही बड़ा बात। मेरा फार्म और हाउस तो कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पे फार्म दिखाता हूँ। वैसे गाइस ये फार्म स्ट्रक्चर और इसका बनाने का स्टाइल तो बहुत ज़्यादा ओपी है। तो गाइस यहाँ पे स्टोन और ग्लासेस लगे हैं। मैं चाहूँ तो अपने सामान दे सकता था, बहुत अमीर हूँ मैं, कुछ भी खरीद के दे सकता था, पर नहीं दिया। क्यों? क्योंकि गाइस मुझे वो सेटिंग करने नहीं आती। चीफ हाउस तो भाई बहुत ज़्यादा ओपी है। मतलब देखो, 1, 2, 3 और ये अब देखो जादू देखो, मतलब अब ख़त्म, सीधा ख़त्म। मतलब यहाँ पे एक गोल्ड ब्लॉक लगा दिया है और इतने सारे एमरल्ड्स को मेरा लेके भाग गया विलेजर साला, बस इसका साइज बड़ा कर दिया है, कुछ ढंग का नहीं दिख रहा है। इस चीज़ को देख के मेरा दिमाग घूम गया और मैं मेरे लाइब्रेरी को देखने चला। 3, 2, 1 कंप्लीट हो चुका है गाइज ये। और लाइब्रेरी देखो इतना बड़ा है, अगर इसमें स्टोन या एमरल्ड वाला लगवाता ना मैं तो क्या ही दिखता, पर मैंने लगवाए नहीं, कोई बात नहीं। वैसे भी 35 एमरल्ड के ब्लॉक लिए थे इसने बनवाने के लिए। और नीचे लगाए हैं इसने रेड कारपेट एंट्री पे और वहाँ पे स्मूथ स्टोन तक लगा दिए हैं इसमें, जो ठीक ठाक बात है। और भाई इसने इसमें भी मतलब लैंप गिरा दिए, कोई बात नहीं, ऊपर ग्लो स्टोन लगाए हैं इसने रोशनी के लिए। और बुक सेल्फ तो देखो, अगर कोई पढ़ा हुआ इंसान आएगा ना तो गाइस यहाँ पे पूरा घूम जाएगा, मतलब पूरे 1-2 साल बिता देगा, ऊपर कंप्लीट नहीं कर पाएगा इसको। और इस लाइब्रेरी में मुझे लग रहा था कि मुझे 1-2 चेस्ट भी मिल जाएगी जहाँ से मेरा पैसा वसूल हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। तो गाइस आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।